कपूरथला रोड ते स्थित गांधी विनीता आश्रम विच वुमेन डे मौके उस समय हड़कंप मच गया जदों 40 दे लगभग लड़कियां शाम नूं आश्रम दे विचों भज गईयां। लड़कियां दे भजन दी सूचना मिलदे ही आश्रम दे स्टाफ दे विच हड़कंप मच गया, जिस तों बाद उन्हां ने तुरंत घटना संबंधी पुलिस कंट्रोल रूम दे विच सूचना दित्ती। इस समय पुलिस फोर्स भी मौके ते पहुंच गई अते मामले दी जांच कीती गई, जिस तों बाद पुलिस ने कपूरथला चौंक नेड़े स्थित कुछ दूरी ते एक मॉल दे बाहर लगभग 20 तों 25 लड़कियां नूं बरामद कर लिया, जिस तों बाद पुलिस ने उन्हां नूं आश्रम जाण दे लई कहा, पर गुस्से दे विच आईयां लड़कियां ने आश्रम विच जाण तों इनकार करदे होए आश्रम दे स्टाफ ते गंभीर दोष लगाए। लड़कियां दा दोष सी कि उन्हां दी उम्र 16 साल तों उपर हो चुकी है, पर उन्हां नूं रिलीफ नहीं कीता जा रहा अते उन्हां नूं समय ते भोजन अते दवा नहीं दित्ती जांदी। इस तों बाद पुलिस दे अधिकारियां वल्लों उन्हां नूं भरोसा दे के लगभग 20 तों 25 लड़कियां नूं कपूरथला चौंक तों कुछ दूरी ते बस विच बिठा के आश्रम लियाता। घटना दी सूचना मिलदे ही एसडीएम जय इंदर सिंह अते जिला प्रोग्राम अफसर गुरमिंदर सिंह रंधावा भी आश्रम पहुंचे अते मामले दी जांच कीती। जानकारी मुताबिक कुछ समय पहला एक लड़की दे पति दी मौत हो गई सी अते उक्त लड़की आश्रम दे स्टाफ नूं फोन ते घर गल करवाउण दे लई कह रही सी, पर इस दे बावजूद उस दी गल नहीं करवाई गई। दस्या जा रहा है कि उक्त लड़की दी आश्रम दे विच हालात काफी ज्यादा खराब हो गई सी, उस तों बाद आश्रम दे विच बेहोश हो गई लड़की, जिस तों बाद होर लड़कियां ने लड़की दी हालत खराब होण संबंधी रौला पाया, जिस तों बाद स्टाफ दे आउंदे ही 40 दे लगभग लड़कियां आश्रम विचों फरार हो गईयां। इस तों बाद पुलिस ने दस्या कि जांच दे विच पता लगा है कि आश्रम दी लड़कियां ने आश्रम दे स्टाफ ते गंभीर दोष लगाए हन, जिस दी पुलिस प्रशासन वल्लों जांच कीती जा रही है। उन्हां कहा है कि आश्रम दे विच लगभग 85 लड़कियां हन, जबकि 81 लड़कियां नूं बरामद कर लिया गया है अते 4 लड़कियां घट हन। ऐथे दस दईए कि डिप्टी कमिश्नर ने जो लापरवाह व्यक्ति हन अते इस मामले नूं देखदे होए सख्त तों सख्त कार्रवाई दा हुक्म भी दित्ता है कि जेकर इस घटना दे नाल जुड़ी हुई कोई भी अजिही खबर सामने आंदी है जिस दे विच लड़कियां दे इल्जाम सच्चे साबित हुंदे हन, उहनां हालातां दे विच जो गुनहगार है उस दे उत्ते सख्त तों सख्त कार्रवाई कीती जावेगी। इलाज नहीं कराते अंदर कोई डॉक्टर नहीं है किस दौरान कदों हुई बीमार ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਸਰ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ फिलहाल इस खबर नु देखने तो बाद अपने कमेंट की देना चाहते इस खबर के लिए अपने वालों अपने कमेंट कमेंट बॉक्स से भी जरूर देना।